नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं ईद कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है, साथ में इसके इतिहास को भी देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ईद कब मनाया जाता है, तो ईद जो है वो रमजान का चांद डूबने और ईद का चांद नजर आने पर उसके अगले दिन चांद की पहली तारीख को ईद मनाया जाता है। इसके साथ में क्या है कि 2020 में जो है भारत जो है पूरा विश्व के साथ में कोरोना से लड़ रहा है, तो इसके लिए कुछ मेरी अपील है, उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और घर में ही ईद का नमाज अदा करें। नमाज के बाद कोविड-19 महामारी के खात्मे और संक्रमितों लोगों की शफा के लिए दुआ करें। आइए तो कोविड से हम लोगों को एक साथ होकर लड़ते हैं और इससे जो लॉकडाउन का पालन है उसे हम लोग करते हैं और जिससे हम लोगों को संक्रमण का कम से कम खतरा हो। तो प्रारंभ करते हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद के रूप में भी माना जाता है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने यानी सव्वाल के पहले दिन ये त्यौहार दुनिया भर में मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर में ये महीना चांद देखने के साथ शुरू होता है। जब तक चांद नहीं दिखे तब तक रमजान का महीना खत्म नहीं माना जाता। इस तरह रमजान के आखिरी दिन चांद दिख जाने पर अगले दिन ईद मनाई जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद मक्का के शहर मदीना के लिए निकले थे। देखिए मक्का से पैगंबर मोहम्मद के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का उत्सव शुरू हुआ। माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी और इस जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा करवाया गया। इसी दिन को मीठी ईद यानी ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हिजरी संवत 2 यानी 624 ईस्वी में पहली बार करीब 1400 साल पहले ईद उल फितर मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बताया कि उत्सव मनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में 2 सबसे पवित्र दिन बताए हैं जिन्हें ईद उल फितर और ईद उल जुहा कहा गया। तो ईद उल फितर और ईद उल जुहा 2 होते हैं ईद, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ में कि यह पर्व जो है वो आपका सद्भाव के लिए ये मनाया जाता है। ईद का त्यौहार सबको साथ लेकर चलने का संदेश देता है। ईद पर हर मुसलमान चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या ना हो सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस्लाम में दान ईद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर मुसलमान को धन, भोजन, कपड़े के रूप में कुछ न कुछ दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुरान में जकात अल फित्र को अनिवार्य बताया गया है। जकात यानी दान को हर मुसलमान का फर्ज कहा गया है। यह गरीब को दिए जाने वाला दान है। परंपरागत रूप से इसे रमजान के अंत में लोगों को ईद की नमाज पर जाने के पहले दिया जाता है। मुस्लिम अपनी संपत्ति को पवित्र करने के रूप में अपनी सालाना बचत का एक हिस्सा गरीब या जरूरतमंदों को दान देकर करती है। विश्व में कुछ मुस्लिम देशों में जकात जो है स्वैच्छिक है, वहीं अन्य देशों में यह अनिवार्य रूप से लागू है। तो अब देखिए कैसे मनाई जाती है ईद। तो देखिए परंपरा के अनुसार ईद की शुरुआत सुबह के दिन की पहली प्रार्थना के साथ होती है जिसे सलात अल फज्र भी कहा जाता है। इसके बाद पूरा परिवार कुछ मीठा खाता है। वैसे ईद पर खजूर खाने की परंपरा है, फिर भी नए कपड़े में सजकर लोग ईदगाह या एक बड़े खुले स्थान पर जाते हैं जहां पूरा समुदाय एक साथ ईद की नमाज अदा करता है। प्रार्थना के बाद ईद की बधाइयां दी जाती है, उस समय ईद मुबारक कहा जाता है। ये एक दूसरे के प्यार भाई आपसी चारे को दिखाता है। इसके अलावा है ईद उल फितर के मौके पर एक खास दावत की तैयारी की जाती है जिसमें खास तौर से मीठा खाना शामिल होता है जैसे खजूर, खीर, सेवैयां। इसके लिए भारत और कुछ दक्षिण एशियाई देशों में मीठी ईद भी इसलिए कहा जाता है। ईद उल फितर पर खास तौर से सेवैयां यानी जो गेहूं के जो नूडल्स बनते हैं उसे दूध में उबालकर बनाया जाता है। उसमें सूखे मेवे और फल बनकर परोसा जाता है और आपस में यह बांट के प्रेम भाव बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से जो है ईद कहीं न कहीं प्रेम और दान की भावना का संदेश देता है जो मानव के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।